नमस्कार बिग ब्रेकिंग सह मुगायत्री महाराष्ट्र महानाटक रे आरंभ होई छी काउंटडाउन आसंता काली महाराष्ट्र रे हेबो फ्लोर टेस्ट 30 रे विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डाकिबा को विधानसभा सचिव को चिट्ठी लिखिले राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी आसंता काली विधानसभा रे आस्था वोट रो सम्मुखीन हेबे उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट रे उद्धव ठाकरे बहुमत साब्यस्त करी न पारिले नुआ सरकार गठन हेबो सबडे बहुमत नथिबारु फ्लोर टेस्ट पूर्वरु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तफा दे पारंती बोली राजनैतिक महल रे चर्चा हेउची सेपटे फ्लोर टेस्ट विरोध रे सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ हेला शिवसेना शिवसेना दलर चीफ व्हिप सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होईछंती जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जेबी परदीवाला को नै गठित खंडपीठ एहा उपरे सुनाणि करिवे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी फ्लोर टेस्ट विरोध रे होइतबा आवेदन उपरे आज सुनाणि करबा को निवेदन करिछंती आसंता काली विधानसभा रे फ्लोर टेस्ट हेबा को थिबा बेले बीजेपी नेतांक बैठक डाकिले देवेंद्र फडणवीस दिन दुईटे बैठक होते फडणवीस समेत गिरीश महाजन चंद्रकांत दादा पाटिल समेत दलर बहु नेता जोगदे विधानसभा फ्लोर टेस्ट और विद्रोही विधायकों हो आलोचना उपर समीक्षा करा विद्रोही विधायक तथा सिंदे गोष्ठी सहित सरकार गठन नहीं प्लान प्रस्तुत कर बीजेपी तेज आसंता काली विधानसभा हेबो फ्लोर टेस्ट ता पूर्वरु आज समस्त विद्रोही विधायक गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर को जाई मां को दर्शन करने सहित पूजा अर्चना करी अवसर में एकनाथ सिंदे कहते 30 रे हेबाकु थिबा फ्लोर टेस्ट रे भाग नेबापाई समस्त विधायक मुंबई जिबे राज्यपाल बहुमत सिद्ध करबापाई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहते सेबे आज अपराह रे विद्रोही विधायक माने गोवारे पहुंचिबे एथिपाई गोवार ताज कन्वेंशन रे होटल रे 71 टी रूम बुक करा जायछि कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए गवर्नर ने हाउस कॉल किया है कल मुंबई पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट जो भी प्रक्रिया हम लोग कल वहां पर हमारे सभी विधायक जो है उनके साथ मुंबई सर आप लोग एब्सेंट नहीं करेंगे ना सर वोटिंग को मुंबई जा रहे हैं कल मुंबई पहुंचेंगे हाँ और जो भी फ्लोर टेस्ट है जो भी वहां पर कानूनी प्रक्रिया जो अधिक आलोचना करिबा आम सहित मुंबई प्रतिनिधि प्रशांत पांडे जोड़ी हुई प्रशांत जी महाराष्ट्र महानाटक में अभी तो काउंटडाउन शुरू हो गया है कल फुल फ्लोर टेस्ट होगा उद्धव ठाकरे जी के लिए ये एक बड़ी चुनौती आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है बताइए जी बिल्कुल देखिए उद्धव सरकार के लिए बड़ी चुनौती और बड़ी परेशानी भी कहा जा सकता है लेकिन फिलहाल उद्धव खेमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है वहाँ पर राज्यपाल ने जो पत्र लिख करके कल के लिए फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था उसके खिलाफ जो है उद्धव खेमा जो है सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की है और आज शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगी देखिए सभी की नज़र सभी की निगाहें जो है अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिक गई है शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगी और वो फैसला करेगा कि आखिर राज्यपाल ने इतनी इमरजेंसी में जो फ्लोर टेस्ट करने के आदेश दिए हैं जो जारी किए हैं वो कहाँ तक जायज है और कहाँ तक अनजायज है क्योंकि देखिए हमने देखा था कि जब 2 दिन पहले 16 विधायकों को डिसक्वालीफाई करने की बात जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष की तरफ से की गई थी तो उसके खिलाफ जो है सिंदे गुट जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिस पर कोर्ट ने यथा स्थिति वैसे ही बरकरार रखने का आदेश दिया है और साथ ही दोनों पक्षों का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा है और उस पर सुनवाई 11 तारीख तक टाल दिया गया था और कल हमने देखा कि जिस तरह से पूरी गतिविधि हुई देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए वहाँ पर उन्होंने बैठक की अमित शाह से मिले जेपी नड्डा से मिले उसके बाद रात में राज्यपाल के पास जाकर उन्होंने मुलाकात की और ये दावा ठोका कि राज्यपाल जो है फ्लोर टेस्ट की बात करें क्योंकि इस वक्त ऐसे कई विधायक हैं जो राज्य में नहीं है दिखाई दे रहे हैं और सरकार के विरोध में एक बार जो अपने बहुमत साबित करे फ्लोर पर और इस बात की जो है पत्र देकर राज्यपाल से देवेंद्र फडणवीस ने गुजारिश की थी जिसके बाद राज्यपाल ने जो है पत्र इश्यू करके सीएम को कहा है कि वो अपना बहुमत जारी करे और विधान सभा में जो है फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया है कल सवेरे 11 बजे का उसी के खिलाफ जो है शिवसेना
खेमा जो है उद्धव ठाकरे का खेमा वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ। अब देखना होगा कि शाम के 5 बजे सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जब सुनवाई करता है तो क्या कुछ निर्णय देता है, क्या कुछ आदेश देता है, इस पर सारी चीजें उम्मीद इसी पर टिकी रहेगी। जी जी बिल्कुल प्रशांत, लेकिन ये भी कि फ्लोर टेस्ट से पहले अगर आप पहले से सिचुएशन को देखें तो पहले से उद्धव ठाकरे जी को पता था कि उनके पास बहुमत कम है। अभी ये चर्चा हो रही है कि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा देने वाले हैं, ये कितना सच है? बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि पिछले कई दिनों से जो घमासान मुंबई और महाराष्ट्र में मचा हुआ है वो सारी चीजें एकदम पिक्चर क्लियर है, पहले जो है पूरे क्लियर है क्योंकि उद्धव ठाकरे खेमे के पास इस वक्त जो है एमएलए नहीं है, बहुमत नहीं है। 39 एमएलए उनके गुवाहाटी में सिंधी खेमे के पास है और यही सबसे बड़ी परेशानी उद्धव ठाकरे के लिए बनी हुई है। देखिए कल का जो बयान है उद्धव ठाकरे का देखा जाए तो उन्होंने अपने आप को एक परिवार का मुखिया बताया और लोगों से गुजारिश की उनके एमएलए से कि वापस मुंबई आए, बैठ कर बातचीत किया जाए। देखिए जो बोलने का तेवर था उसमें बदलाव जरूर देखा गया। साथ ही अगर संजय राउत की खुद बात की जाए तो उन्होंने पहले जिस तरह से बयानबाजी की थी उसे कहीं ना कहीं हमने देखा है कि उसमें उनकी सरलता पन आई है। आज भी सुबह उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो और शिंदे काफी करीबी दोस्त है, उन्हें मुंबई आकर से बातचीत करनी चाहिए। यानी देखिए ये तो फ्लोर टेस्ट वाला मसला है, एक गले की हड्डी है, उद्धव ठाकरे के गले में जो अटकती नजर आ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है उद्धव खेमे को तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कल 11 बजे अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो जहां पर बहुमत साबित करना उद्धव ठाकरे के लिए काफी मुश्किल होगा और ऐसे में सरकार गिरेगी। तो उसके बाद जो है बीजेपी दावा ठोकेगी, वो बहुमत साबित करने का बात रखेगी। उसके बाद आपको क्या लगता है बीजेपी का अभी जो प्लान है शिंदे गोष्ठी के साथ सरकार गठन करने के लिए, बीजेपी जो प्लान कर रहे हैं ये प्लान कितना सक्सेस होगा? देखिए अगर देवेंद्र फडणवीस की गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए तो ये बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी सरकार बनाने के मूड में है। देवेंद्र फडणवीस ही वही शख्स हैं जो कल दिल्ली गए थे, उसके बाद मुंबई आने के बाद राज्यपाल को उन्होंने खत लिखा, उनसे मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस वही शख्स है जिन्होंने आज अपने सभी MLA को मुंबई के कुलाबा स्थित ताज प्रेसिडेंट में रहने का आदेश दिया है। देवेंद्र फडणवीस वही शख्स है जिन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट जो है तुरंत करा जाए क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए देवेंद्र फडणवीस की जो गतिविधि है ये इशारा करती है कि तुरंत फ्लोर टेस्ट हो, और फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो ऐसे में जो उनके बागी विधायक है शिवसेना के वो जो है गुवाहाटी में है, अगर वो फ्लोर टेस्ट में आते भी हैं तो उनके खिलाफ अगर वो फ्लोर टेस्ट में खड़े होते हैं तो यानी सरकार अल्प बहुमत होगा और उसके बाद सरकार वहां पर गिरेगी और उसके बाद बीजेपी दावा ठोकेगी कि भाई हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाने की मंशा रखते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या शिंदे गुट उस वक्त बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी, अगर बीजेपी के साथ नहीं खड़ी रहती तो फिर उसके बाद बीजेपी के पास कौन सा रास्ता बचता है, ये बात की बात होगी। लेकिन बहरहाल आज की जो गतिविधि मैं आपको बता दूं कि सभी MLA जो हैं बीजेपी के उन्हें ताज प्रेसिडेंट होटल कुलाबा में रहने का आदेश दे दिया गया, शाम के 5 बजे तक सब वहां पर इकट्ठा हो, ऐसा आदेश जो है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई है शिवसेना खेमे की तरफ से उस पर सुनवाई शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट का बेंच करेगा और देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ आदेश देता है। देखिए यहाँ पर सवाल ये महाराष्ट्र का जो महानाटक चल रहा है, महानाटक का अंत कब होगा अब तो किसी को शायद पता नहीं है, लेकिन जो कल फ्लोर टेस्ट हो रहा है शायद ये आशा किया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के बाद कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत पांडे, आम सहित जोड़ी हुई अधिक आलोचना करुले। देशरे दिनकर 14,506 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती, सेहीपरी 24 घंटे 30 आक्रांतों मृत्यु होती। यह सहित देश में मोट कोविड मृत्यु संख्या 5,25,077 को वृद्धि पाई। 24 घंटे सुस्थ होती 11,574 आक्रांत, आ सक्रिय आक्रांतों संख्या 19,602 को वृद्धि पाई। देश में एजाए सुस्थ हो 4,28,08,666 जन। राज्य में 150 पार है कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे 161 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। आक्रांतों मध्य अच्छा 18 वर्ष कम वयस्क 24 जन, संगरोध्र 95 और स्थानीय अंचल 66 जन पॉजिटिव बाहरी। खोर्धारू सर्वाधिक
6 कोविड रोगी चिन्हट होता बेले कटक 32 स्टेटफोल 15 सुंदरगढ़ 13 संक्रमित बाहरी बालेश्वर 8 सोनपुर 8 पुरी 5 रायगड़ 5 भद्रक जगत सिंहपुर झारसुगुड़ 3 जन लेखाएं जाजपुर 2 केन्दुझर मयूरभंज नुआपड़ा और संबलपुर जड़े लेखाएं पजिट चिन्हट होता तो राज्य में मोट आक्रांतों संख्या 12,99,602 पहुंची से सुस्थ होती 12,79,794 आक्रांत एवं चिकित्साधीन अच्छा 629 जन कोरोना आक्रांत। आज दुबई रे ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टर मीट रु ओडिशा पई बड़ आशा ओडिशा को पूंजी निवेश आनिबा को शिल्पोद्योगी को सह आलोचना करिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एंड टीम शिल्प प्रतिष्ठा पई राज्य रे रहितबा सुजोग ओ सुविधा कथा बुझाइबे या सहित प्रवासी ओडियां को सहित आलोचना करिवार कार्यक्रम रहिछि। अर्थनीति विशेषज्ञ को मतरे ओडिशा रे पूंजी निवेश पई पर्याप्त सुजोग रहिछि पर्यटन खाद्य प्रक्रियाकरण यूनिट रिफाइनरी केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल कृषि टेक्सटाइल आईटी क्षेत्र में निवेश पाई व्यवस्था भल अधिक निवेश आसिले अधिक निजुक्ति भी आसिब तेणु निवेशकों आकृष्ट करने को शिल्प नीति भी परिवर्तन करुछंती राज्य सरकार व्यवसाय विस्तार पाई दुबई को सारा विश्व शिल्प संस्था आसुथबारु कार्यक्रम बेस फलप्रद हेबो विशेषज्ञ सेबडे दुबई रे थिबा मल्टी कमोडिटी सेंटर बुलिले ओडिशा प्रशासनिक टीम मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र नेतृत्व में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी परिदर्शन करिछंती फ्री ग्रेड जोन कनसेप्ट विषय बुझिले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शिल्प अर्थनीति एवं प्राथमिक सेवा विषय पचारि बुझिले डीएमसीसी हेउछि दुबईर सबुठो बड़ ट्रेड जोन ओडिशार युवावर्गक पई दक्षतार आदान प्रदान एवं ट्रेनिंग करिबाकु आलोचना डीएमसीसी भली हाईटेक सेंटर ओडिशार करिबाकु आलोचना करिछन्ति मुख्य शासन सचिव या परे एसएआईएफ आईएफ अधिकारी सहित आलोचना करिछन्ति वरिष्ठ अधिकारी कस्टम फ्री जोन विश्वस्तरीय वेयर हाउसिंग सुविधा पई आलोचना होई ओडिशा इन्वेस्टर्स रोड शो रे डीएमसीसी एवं एसएआईएफ अधिकारी सामिल पई मुख्य शासन सचिव आमंत्रण करिछन्ति व्यक्तिगत भाव में डीएमसीसी एवं एसएआईएफ स्टाफ को आमंत्रण जनाई मुख्य शासन सचिव। किसी समय पर आरंभ हो बीजेपी राज्य कार्यकारिणी बैठक बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती समेत बहु नेता उपस्थित अच्छा केन्द्रमंत्री विशेष टुडू उपस्थित अच्छा भुवनेश्वर उपकंठ कुरांग शासन स्थित एक घर रिसोर्ट में कार्यक्रम आयोजन होबे कार्यकारिणी में मुख्य फोकस रही 2024 निर्वाचन दल साधारण निर्वाचन प्रस्तुत कर रणनीति सांगठनिक स्थित को मजबूत करने को दलय नेता और कर्मी मध्य विस्तृत भाव में आलोचना हो बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज छात्र निशांत मृत्यु घटना तदंत बलांगीर मेडिकल कॉलेज रे पहुंचला तीनी जणिया एनएचआरसी टीम मेडिकल कॉलेज रो डीन हॉस्टल वार्डन सहपाठी को पचराउचरा करिवो टीम समस्त विभाग रो एचओडी एवं अन्य कर्मकर्ता को भी पचराउचरार संभावना रही तीनी जणिया टीम रे अछंती विमलजीत उप्पल चंद्रशेखर माधवानंद राउत पूरा टीम को सहयोग करने जिला प्रशासन एवं पुलिस तरफ सबु प्रकार सुविधा सुजोग जोगाई दिया जायछि जबरदखल उच्छेद को नहीं मुहांमुही हेले तहसीलदार आईनजीवी गंजाम तहसीलदार अरुण कुमार नायक गतकाल गंजाम बड़बजार स्थित कंध शतपथी निज घर गछपट सरकारी जमीन में घर कर जबरदखल उच्छेद जेसीबी धरी पहुंची जमी पर केस लड़ुवा वरिष्ठ आईनजीवी दिलीप कुमार पटनायक समय नदे और महकिल दरखास्त चिरी मुह को फिंगी देवा घटना को नहीं आलोचना बेले तहसीलदार अरुण कुमार नायक एवं आईनजीवी मध्य प्रबल पाटितुंड होता एपरिक तहसीलदार आईनजीवी को असद व्यवहार कर पुलिस उपस्थित समस्त घटना घटी एपरिक जेसीबी आगे घर महिला मैंने बसी फल आईन श्रृंखला परिस्थित सृष्टि होता परवर्त समय तहसीलदार से चली जा राजस्थान उदयपुर रे युवकों हत्या को नहीं उत्तेजना मृत युवकों ना कल्हालाल एवं से टेलरिंग दुकान करिथिले
उदयपुर जिलार मालदा स्ट्रीट रे हत्याकांड परे उत्तेजना सृष्टि होइछे। प्रॉफेट मोहम्मद को उपरे विवादीय मंतव्य देई बीजेपी रु निलंबित होइथिबा नुपुर शर्मा को समर्थन रे सोशल साइट रे शेयर करथिले संप्रक्त युवक जहाकु नै तांको हत्या करा जायथिबा अभिजोग होइछे। हत्याकांड घटाइथिबा युवक एक वीडियो छाडिछंती जेउथरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मध्य धमक देइछंती से। मालदा स्ट्रीट रे 144 धारा जारी करा जायथिबा बेले इंटरनेट सेवा सामयिक भाबे स्थगित रखा जायछि। सेपरि पूरा राजस्थान रे मासक पई 144 धारा जारी करा जायछि। गुजब रे विश्वास न करबाकु राजस्थान पुलिस लोकों को निवेदन करिछि। सेभली शांति बजाय रखबाकु अनुरोध करिछंती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विलंबित रात्रि रे दुई अभियुक्त को राजसमंद जिलार भीमरू गिरफ करा जायछि। सेबडे कल्हालाल को दुई पिलांकु सरकारी चाकरी परिवार सदस्यों को 31 लाख टंका सहायता देबाकु सहमति होईछि। कार्य अवहेला पई उदयपुर धानमंडी थानार एएसआई को निलंबन करा जायछि। उदयपुर हत्याकांड को आतंकवादी आक्रमण भाव में विवेचना करा बेले तदंत भार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया जाएगी। घटनार तदंत एसआईटी गठन करा जायछि। एटीएस एसओजी एडीजी अशोक राठौर एटीएस आईजी प्रफुल्ल कुमार एडिशनल एसपी जांच करिवे। सेहिपरि एनआईए रो पांच जनिया टीम दिल्ली रु उदयपुर अभिमुखे आसुछन्ति। आज होछि महाप्रभुंकर नवजौवन दर्शन एवं नेत्रोत्सव। 15 दिन अनवसर रे थिबा महाप्रभुंकर आज होछि दर्शन। नवजौवन बेसरे भक्तजनंकु दर्शन देउछन्ति महाप्रभु। सकाळ 7टा रु परमाणिक टिकट काटी भक्त माने दक्षिण द्वार दे श्रीमंदिर भितरको प्रवेश करबा सह श्रीजीवंकु दर्शन करिछन्ति। परे आरंभ होछि सर्वसाधारण दर्शन। श्रीजीवंकु नवजौवन दर्शन लागि श्रीमंदिर आगरे लागिछि भक्तंक भिड़। सिंहद्वार दे भक्त माने श्रीमंदिर को प्रवेश करुछंती। भक्तंकर श्रृंखलित दर्शन पई श्री नौररु सिंहद्वार जाय स्वतंत्र सेट सहित ब्यारिकेड करा जायछि। भक्तंक उपरे जलसिंचन करा जायछि। दिन 2टा रु 3टा, संध्या 6टा रु 6:30, राति 9टा रु 10:30, राति 11:30 रु 12:30 जाय भक्त माने महाप्रभुंकर नवजौवन दर्शन करबा नै व्यवस्था होइछि। नवजौवन दर्शन पई प्रशासन एवं सेवायतंक मधरे समन्वय रही नीति करबा उपरे गुरुत्व दिया जायछि। नवजौवन दर्शन एवं नेत्रोत्सव पई सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। 40 प्लाटून फोर्स मुतयन होइछन्ति। 4 जण कमांडेंट, 10 जण अतिरिक्त एसपी, 50 जण ऑफिसर मुतयन होइछन्ति। स्वतंत्र ट्राफिक व्यवस्था सहित पार्किंग उपरे मध्य गुरुत्व दिया जायछि। जगन्नाथ बल्लभ, ब्लू फ्लाग, यात्रिका, तालबणिया एसबु स्थान मानकरे पर्यायक्रमे पार्किंग व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। दीर्घ 15 दिन पर मिली चका आखिर दर्शन आई सानिध्य लाभ कर भक्त मैंने बेस भावविहल कारण महाप्रभु एवं भितरकाट पाखे अणसर पिंडे दर्शन दौरान तेणु एत पाखु दर्शन करमी से रमणीय दृश्य रही जानवे आम सहित पंडित सुजान शर्मा अच्छा मैंने एत पाखु दर्शन हटात सत्य कि महाप्रभु आम सहित कथित केमी अच्छा केमी भक्त मोर अच्छा सत कि नुहे सत से भक्त मान डाक आज पंचदश दिवस व्यापी निवृत कंदर मध्य महाप्रभु ज्वर से पीड़ित थे औषध खाइले चरमूली खाइले देह सुस्थ हला। आज अमावास्यार चंद्र रूपरे ताटी खोला गला महाप्रभु को समस्त गणित जक्त भक्त माने से नूतन जौवन प्राप्त होई विराजमान करथिबा जगन्नाथ को दर्शन करी समस्ते कुतार्थ उचंती यहा कोई नवजौवन दर्शन कहा जाए। नवजौवन दर्शन परे महाप्रभुंकर महास्नान सर्वांग चंदन लागी तदपरे चक्षु नेत्र उत्सव पालन परे प्रभुंकर उत्सव आजि देखुचंती अगणित भक्त माने समस्ते आनंदर सहित जाउचंती। अनवसर पिंडिरे महाप्रभु विराजमान करिछंती देखिले तांको आनंद लागुछि बड़ा समस्तंकी बड़ा आनंदर सहित से कुलाग्रत करुछंती आलिंगन करुछंती यहाँ ही नवजौवन दर्शन ए दर्शन कले अनंत कोटि पुण्य फल प्राप्त होइथाय। निश्चित भाव जहाँ कहते दर्शन अन्य कोटि पुण्य प्राप्त होता है देखिपारे भक्तमेय हो पड़ी और जो पटिदेव पूजार्चना चली भक्त मैंने दर्शन करुले एवं पटिदेव अवसर पर आज महाप्रभु से सानिध्य पाँच दूर दूरा भक्त मैंने छुट्टी आस महाप्रभु दर्शन करने आप देखी से दृश्य तो आप कौटू आ अच्छा आज दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहा है। अब कहाँ से आए आप? वृंदावन से आए भैया। कैसा लग रहा है आज वहाँ पर नवजौवन दर्शन? ये कैसा अनोखा दर्शन है? ये अनोखा ऐसा दर्शन है जिसके कारण हम ब्रजवासी भी यहाँ चल करके आए हैं। अच्छा जबकि हमारे वृंदावन में लाखों आदमी रोज आता है परन्तु जगन्नाथ जी का ये रथ का जो उत्सव है
इसका आनंद लेने के लिए ब्रजवासी भी दौड़ करके जगन्नाथपुरी आ गए हैं। भूखर के बाद महापुरुष सुस्त होकर दर्शन दे रहे हैं और दर्शन दे रहे हैं और खूब आनंद से इस उत्सव का हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जिलापाल मध्ये रहिछन्ति आमे तांकर पतुका नबा सर जदि दर्शन आरंभ हि सारछि एवं किबले देखछन्ति दर्शन सुस्ति एवं किबले मिसि के नै बहुत भलो अछि। हमरा नीति वर्तमान एडवांस रे चली छि, हमे ये एक्सपेक्ट करबा कि सबु सेवात माने और महाप्रभु के आशीर्वाद रे एही हिसाब रे चलिबु तो हमे गुंडीचा यात्रा रे भी भलो ठीक समय रे हमें पौंडी ये सब करते हैं। आसंता काली भी हमें ऑलरेडी गत काली टाइमिंग्स बाहर कर दे छु को समय रे खुला अच्छी को समय रे दर्शन पाई बंद अच्छी सही अनुसार हम भक्त मानु को अनुरोध करी अपना सेटा को देखी करी के आस पूरी जिलापाल कहते कि दर्शन श्रृंखलित होती भक्त मैंने आनंद महाप्रभु दर्शन सानिध्य पाँच मोटामोटी कह दर्शन आज दिन तमाम चलो राति साढ़े बारटा पर्यटन दर्शन रहा है और प्रति भक्त सदल मैंने दर्शन सानिध्य पाए कारण आज भक्त मैंने दर्शन पाई बेस खुशी अनुभव कर। नवजौवन दर्शन नहीं व्यापक व्यवस्था करिछि प्रशासन। ए वर्ष राज्य सरकार पुरी जिला प्रशासन श्रीमंदिर प्रशासन समस्ते सजग अछन्ति। दुई वर्षर व्यवधान परे भक्तक गहळी रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा हेउथबारु समस्ते तत्पर होइछन्ति। राजनीति ठारु आरंभ करी पुलिस व्यवस्था सबु सुव्यवस्थित होइछि। श्रृंखलित दर्शन सहित सबु ठीक से चालिछि। कोविड भय थिबारु समस्ते कोविड नियम मानिबाकु निवेदन करिछन्ति उन्नयन कमिश्नर प्रदीप जेना। दीर्घ 15 दिन परे आरंभ होइछि महाप्रभुंकर आज नवजौवन दर्शन एवं भक्त माने अति सुंदर भाव दर्शन करछन्ति। प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था कराइछि एवं एही व्यवस्था मध्ये निजे अनुधान करछन्ति उन्नयन कमिशनर अधिकवा प्रदीप जेना अछन्ति। सर जदि कहबा आज एबेळि नीतिकांति श्रृंखला देछि बहुत जल्दी नीति आरंभ ठारु पूर्वरु मध्ये नीति चालिछि दर्शन मध्ये एजाव भल रे दर्शन कोन कोन व्यवस्था आपण अनुधान कलेनि माने मु जहा देखुछि ए वर्ष श्रीमंदिर प्रशासन जिला प्रशासन एवं राज्य प्रशासन समस्ते बहुत अधिक तत्पर होती अधिक सतर्कतार सहित सब व्यवस्था को कर राज्य पुलिस प्रशासन मध्य वर्ष जो भाई भाव में पुलिस डिप्लोयमेंट करते तीन थर एथर ब्रीफिंग कर पुलिस फोर्स को समस्त कारण दु वर्ष जो भक्त शून्य भाव होता है तेणु एथर जमी सब सुरक्षित हम कौट किसी असुविधा न हुए से समस्ते एक्सट्रा केयरफुल अच्छा कोविड जाए तेनाली भक्त सचेतन और सतर्कता अवलम्बन करने आवश्यक आमे सेटा तृतीय बा माननीय मुख्यमंत्री स्वतंत्र समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री निजे ओडिशार जनसाधारण को आ सब भक्त मानते कोविड भय दूर ही ना जेहेतु कोविड भय दूर ही ना आम समस्त सतर्कता अवलम्बन करने कथा और से समस्त को अपील कर समस्त सतर्कता सतर्क अवलम्बन करेंगे ता सहित प्रशासन तरफ दुईट स्वतंत्र अपील कराई भक्त मानक जनसाधारण को गोटे हूँ जे जो मैंने आसुच्च रथयात्रा रथयात्रा संबंधी जो कार्यक्रम में जोगदे बाहर को आसुच्च समस्ते दयाक मास्क पिंधे सबु समय मास्क पिंधा हेले समस्त भल द्वित पाखे सानिटाइजर रखी मझे मझे हैंड सानिटाइज करेंगे ये गोटे पार्ट द्वितीय कथा आम कही जेहेतु कोविड्र भय अच्छी एवं आम जो मानी कोविड संबंधी लक्षण देखा ज्वर काश थंडा कफ यही टाइप रि किसी लक्षण देखा जाए ताले से ही भाई भौनी माने माँ मौसी माने से माने दया करी भिड़ को आसीबे नै से माने घरु ठाकुर को देखंतु पहंडी एवं रथयात्रा टीवी माध्यम रे देखंतु एवं अन्य भाई भौनी जो माने रथयात्रा को आसी जंदी बड़दान रे देखिबे बा राज्य रे विभिन्न स्थान रे रथयात्रा रे अंशग्रहण करिबे से मानको जेमते कहि विपद रे आमे पकेवा नै तमे आमे आत्मसंयम समस्ते संयमता अवलंबन करबा समस्ते रथयात्रा को उपभोग करि पारे भलो हारे निश्चित भाव जहाँ आमको कहते कि निश्चित भाव श्रृंखलित भाव रथयात्रा हे और निहाती भाव रथयात्रा किभली भाव प्रशासन पर एक माइलस्टोन हम भक्त परिवेश समस्त स्तर में व्यवस्था कराई मुख्यमंत्री निजे यहाँ पर फोकस करते तेणु सब विभाग समन्वय जात सुगम हम तापर विभाग गुरुत्वारोप रही है।